वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? जो उम्मीद होगा खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। और इतना वेलकम टू द अनदर ब्लॉग, और चुपाल भाई 36 ब्लॉग पे आपका खुश आमदीद। एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन दबा दो ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जनाब आज हम ज़रा खा भी ज़्यादा लिया है, तो टेडी शर्ट बाहर निकल आया, तो थोड़ा 15 तक तो वॉक शॉक करने जा रहे हैं, तो अभी हम निकल गए छप्पड़ से बाहर निकलने वाले हैं। तो जनाब आपको दिखाते हैं छप्पड़ बाज़ार को ऐसे ले कर 15 तक का व्यू। फिर वो ही पुराने सोडे वाला आ गया, वहीं पे अभी तक उसका रेडी है। इसके बाद और भी सोडे वाले हैं, फलूदे वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जी जनाब बॉन्ड चौक पे। अभी पहले तो बॉन्ड चौक आएगा, उसके बाद जनाब आगे फिर गल्ला मंडी आएगी, उससे पहले उसका अलायंस ट्रेवल्स आएंगे, उसके बाद फिर गल्ला मंडी, गल्ला मंडी के बाद आएगा पोस्ट ऑफिस, उसके बाद फिर आएगा जी जनाब 15। बनावे बनावे। तो ये जनाब जी, ये भी एक और ब्रांच इधर है हमारी, ये पहलवान रेवड़ी। जनाब ये बॉन्ड चौक में आ गए हैं, तो तस्वीर कट। और जनाब ये बॉन्ड चौक हमारा, अभी वैसे का वैसे ही है बॉन्ड चौक, जैसे हम डेरे पे छोड़ते हैं ना वैसे का वैसे ही है। वो हमारी बैठक, अभी पहले 2 मिनट के लिए उधर जाएंगे, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे जनाब। रेडी पर आया तो भाइयों ने हमें बताया ये, तो उन्होंने बोला कि भाईजान के दानिश भाईजान हमारे जो है वो तो गए हुए हैं। इन्होंने भाई ने बताया कि भाई वो अस्पताल में गए हुए हैं, मरीज़ उनका तो बीमार हुआ है, तो अभी 15 की दौड़ छोड़ के अब सीधा अस्पताल जाएंगे एमरजेंसी DHQ में। तो वहाँ जाके भाई की तहकीकत जाके हम तहकीकत करते हैं, पता चलते हैं कौन है, क्या हुआ है और क्या सुविधा। 15 का प्रोग्राम तो हमारा कैंसिल हो गया, अभी हम जा रहे हैं सीधा क्या बोलते हैं इसको DHQ अस्पताल एमरजेंसी के अंदर। तो वहाँ जाके देखते हैं जनाब क्या हुआ है जनाब को, कोई मरीज़ उधर आए हुए हैं एमरजेंसी सीरियस हालत है, तो अभी देखते हैं। तो चल के यहीं से हम अब जाएंगे बैक, बैक जाके छप्पड़ बाज़ार, छप्पड़ बाज़ार के बाद फिर अस्पताल रोड, फिर तहसील चौक, तहसील चौक से फिर DHQ अस्पताल। तो जनाब आपको अब यहाँ से व्यू देंगे, ये हमारा बाबा चुपाल छप्पड़ बाज़ार। तो अभी हम इसके बाद आएगा फिर हॉस्पिटल रोड, उसके बाद फिर आएगा हमारा चर्च भी बीच में आएगा, चर्च के बाद फिर आएगा सिटी थाना, सिटी थाने के बाद फिर आएगा हमारा तहसील चौक। तहसील चौक से राइट हैंड पे होके तो पहले तो आएगी मस्जिद, मस्जिद के बाद फिर हॉस्पिटल रोड का दूसरा रास्ता, और फिर DHQ हॉस्पिटल। फैंस हमसे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, तो भाई आप क्या काम करते हैं? तो जनाब कई सारी मैंने वीडियोस भी लगाई हुई हैं अपने, उनका व्लॉग बना हुआ है, व्लॉग बना के मैंने चढ़ाए हुए हैं, इसके ऊपर अपलोडेड है। आप यार अकाउंट आप चेक नहीं करते, तो जो सामने आते हैं आप वही देखते हैं, तो प्लीज़ एक बार अकाउंट चेक कर लिए करें तो आपको पता चल जाएगा। फिर भी मैं काइंडली बता देता हूँ कि मैं लकड़ी का काम करता हूँ, दरवाजे अलमारियाँ फिटिंग करता हूँ। ये जनाब कराची बर्गर, उसके बाद हॉस्पिटल रोड, फिर आगे आएगी राहत बेकरी, वो भी साथ ही आ गई, ये मतलब साथ ही हॉस्पिटल रोड के। जनाब ये बीफ पुलाव, और उसके बाद चकवाल आइसक्रीम,
ये गाइस आ गए चर्च, ये चर्च आ गए, चर्च के बाद आएगा। ओ जनाब, आपके लिए वीडियो बनाते हैं यार, मीठा मीठा सा लाइक कर दो यार, मीठी मीठी वीडियो बनाते हैं आपके लिए ताकि आप हमें को मीठा मीठा लाइक शेक दे दें। उसके बाद वो सामने हसन मुर्ख लाओ, उसके साथ हक बैकर साथ ही, ये जनाब सिटी थाना हमारा, उसमें मस्जिद भी बनी हुई है माशाल्लाह। तो ये हमारा सिटी थाना, ये ट्रक कार्ट बनाई गई है चकवाल में तहसील चौक पे, ये तहसील चौक की पहचान है ये ट्रक कार्ट चकवाल, ये है तहसील चौक। एमरजेंसी से बाहर निकला है, बाहर निकलने के बाद उसकी बैक साइड पे एक और है वार्ड, उसमें जाना है हमें। तो जनाब अभी जा रहे हैं, तो अकेला ही हूँ मैं और साथ में कोई नहीं है, क्योंकि अकेले घर से निकला था, तो वहाँ जाए खबर पता लगी है ये सीन है। चलो कोई बात नहीं जी जनाब, इसी तरह ही हमने डी एच की सब जा रहे हैं वापस। तो जनाब यहाँ करके हम लोग का एंड जनाब दरियाफ्त कर दी हमने, तो आप सभी का शुक्रिया जो ब्लॉग को देखने के लिए आए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो पहले उसके पहले किन बाद हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।